गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज के सेशन में आज हम फिर से एक बार बफर सॉल्यूशन के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बफर सॉल्यूशन में आज का जो हमारा सेशन है, आज का जो सेशन है उसमें हम पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट द चेंज इन पीएच वैल्यू व्हेन लिटिल अमाउंट ऑफ, आज का जो टॉपिक हमारा है वो ये है हाउ टू कैलकुलेट द चेंज इन पीएच वैल्यू व्हेन लिटिल अमाउंट ऑफ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इज एडेड इन बफर सॉल्यूशन। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। आज हम इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस से डील करेंगे कि अगर हमारे पास सपोज दैट कि हमारे पास कोई भी बफर सॉल्यूशन दे रखा है, चाहे वो एसिडिक बफर सॉल्यूशन हो या बेसिक बफर सॉल्यूशन हो, उस बफर सॉल्यूशन में अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड कर दें या हम उस बफर सॉल्यूशन में, चाहे एसिडिक बफर हो या बेसिक बफर हो, उसमें हम स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड कर दें, मिला दें, तो उस बफर सॉल्यूशन के पीएच में कितना चेंज आएगा, ठीक। हालांकि अगर हम देखते हैं तो अगर हमारे पास एक बफर सॉल्यूशन है, बफर सॉल्यूशन हो, चाहे बफर सॉल्यूशन कैसा हो, एसिडिक बफर सॉल्यूशन हो या बेसिक बफर सॉल्यूशन हो, अगर इसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर ऐड करते हैं तो पीएच चेंज क्या होता है, रेसिस्ट करता है। पीएच चेंज क्या करता है, रेसिस्ट करता है। हाउ एवर पीएच इज चेंज टू ए वेरी Little extent, यानी कि जो हमने theoretically हमको पता होता है, जो हमने theory में पढ़ा है कि अगर कोई buffer solution है, buffer solution में अगर हम little amount of, बहुत थोड़े से amount मात्रा में अगर हम strong acid, strong base को मिला दें, तो वो solution pH change को resist करता है, pH change होने नहीं देता है। लेकिन अगर उसको observe किया जाए minutely, तो उसका pH जो है change होगा, लेकिन बहुत little amount में pH change होगा। तो वो पीएच चेंज कितना होगा, हम इसी को कैलकुलेट करेंगे। आज हम इसी को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, इस वेरी लिटिल चेंज को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम दो केस में क्लासिफाई कर लेंगे, क्योंकि बफर सॉल्यूशन दो टाइप के होंगे, एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन होगा, दूसरा बेसिक बफर सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट किससे करेंगे, एसिडिक बफर सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। तो सपोज हमारे पास एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन दे रखा है, उसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, उस एसिडिक बफर सॉल्यूशन में या तो हम एसिड को मिलाएं या तो हम बेस को मिलाएं, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास क्या है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन है। इस एसिडिक बफर सॉल्यूशन में हमने क्या किया, इस एसिडिक बफर सॉल्यूशन में हमने क्या किया, या तो एसिड को ऐड करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड को, या हम स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड करेंगे। तो हमने यहां से एक केस एसिडिक बफर का लेके चला, उसको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन हमने क्या ऐड किया, स्ट्रॉन्ग एसिड, या दूसरा केस ये बन सकता है कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन हमने क्या ऐड कर दिया, स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहां से हमको ये तो पता है कि जो ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन है ये बनता कैसे है, ठीक है। जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन है ये बनता है विद द हेल्प ऑफ वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, या बोल सकते हैं इसी को और लिख सकते हैं वीक एसिड विथ कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास इस एसिडिक बफर सॉल्यूशन में दो कंस्टिट्यूएंट है, एक है वीक एसिड, एक है सॉल्ट। हमने क्या किया, अब इसी एसिडिक बफर सॉल्यूशन में क्या किया, स्ट्रॉन्ग एसिड को मिला दिया। स्ट्रॉन्ग एसिड के मिलाने से
स्ट्रॉन्ग एसिड के मिलाने से यहाँ पे किस पे क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि बीक एसिड के कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा और सॉल्ट के कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक, सो लेट अस अज्यूम कि बीक एसिड का कंसंट्रेशन कितना है, लेट अस अज्यूम ये रहा बीक एसिड का कंसंट्रेशन, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड किए बफर सॉल्यूशन में, बाहर से हमने स्ट्रॉन्ग एसिड को मिलाया है, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि x ग्राम ऐड किया गया है, x ग्राम ऐड किया गया है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, x ग्राम एसिड को ऐड किया गया है इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस स्ट्रॉन्ग एसिड के मिलाने से इस बीक एसिड कंसंट्रेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस स्ट्रॉन्ग एसिड के मिलाने से इस सॉल्ट के कंसंट्रेशन पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक, तो यहां पे सिंपल से एक ट्रिक को याद रखेंगे कि अगर हम एसिडिक बफर सॉल्यूशन में एसिड को मिलाते हैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन में एसिड को मिलाते हैं तो एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, तो हमने ऐड किया है x ग्राम इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, तो जितना ग्राम को ऐड किए हैं या जितना मोल को ऐड किए हैं उतना ही मोल्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा। सो लेट अस अज्यूम यहां पे ग्राम नहीं, एक काम करते हैं यहां पे x मोल लेकर के चलते हैं, x मोल लेकर के चलते हैं, तो x मोल को ऐड किया 1 लीटर सॉल्यूशन में तो ये क्या हो जाएगा, एसिड प्लस x, जितना कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किए हैं उतना ही कंसंट्रेशन वहां इंक्रीज करेंगे और उतना ही कंसंट्रेशन यहां पे डिक्रीज करेंगे। इट मींस ये क्या हो जाएगा, सॉल्ट का कंसंट्रेशन, अगर एसिडिक बफर में एसिड मिलाएंगे तो एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, एसिडिक बफर में अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को मिलाएंगे तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन उतनी ही अमाउंट से कम हो जाएगा। सो मैं कंसंट्रेशन में भी एसिड का कंसंट्रेशन होगा एसिड प्लस एक्स एंड सॉल्ट का कंसंट्रेशन होगा सॉल्ट माइनस एक्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अगर इसी एसिडिक बफर सॉल्यूशन में हमने स्ट्रॉन्ग बेस को मिला दिया तो जस्ट इसका उल्टा रिजल्ट यहां लिखेंगे। ठीक है, इसका उल्टा रिजल्ट यहां लिखेंगे, एसिड का कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और बेस के कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एसिड का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और बेस का कंसंट्रेशन सॉरी सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, इसका जस्ट उल्टा रिजल्ट यहां पर लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसको मिला करके जो नया पीएच वैल्यू होगा दैट विल बी गिवन बाय पीएच इक्वल्स टू, हमको पता है कि इस एसिडिक बफर का पीएच हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस एसिडिक बफर का पीएच वैल्यू हम निकालते हैं कैसे, पीएच इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग ऑफ, ऊपर लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द कंजुगेट बेस और सॉल्ट, नीचे लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड। जब इस एसिडिक बफर में स्ट्रॉन्ग एसिड को मिला दिया तो इसका पीएच जो है नया पीएच यानी कि पीएच न्यू आफ्टर द एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वो क्या हो जाएगा, तो यहां पे हम लिखेंगे पीएच न्यू इक्वल्स टू ये हो जाएगा पीके, ये तो डिसोसिएशन कांस्टेंट का पार्ट चेंज होगा नहीं, प्लस लॉग ऑफ, अब यहां पे सॉल्ट की जगह पे क्या आ जाएगा, सॉल्ट माइनस एक्स और एसिड की जगह पे क्या आ जाएगा, एसिड प्लस एक्स, तो ऊपर आ जाएगा सॉल्ट माइनस एक्स और नीचे आ जाएगा एसिड प्लस एक्स। ठीक है, उसी तरीके से अगर इस कंक्लूजन से पीएच निकाला जाए तो पीएच न्यू क्या हो जाएगा यहां पे, दिस विल बी पीके प्लस लॉग ऑफ, ऊपर हो जाएगा सॉल्ट प्लस एक्स और नीचे हो जाएगा एसिड माइनस एक्स, सो दिस विल बी द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द न्यू पीएच। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, न्यू पीएच फाइंड करने का फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब एसिडिक बफर में एसिडिक सॉल्यूशन को मिलाएंगे, एसिडिक बफर में स्ट्रॉन्ग एसिड को मिलाएंगे और जब एसिडिक बफर में स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाएंगे तो इस पीएच फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, वेयर ये जो एक्स दिख रहा है, एक्स मोल ऐड किया है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन जिसको हमने ऐड किया है, जितने कंसंट्रेशन है जितने मोल को ऐड करेंगे, जिस कंसंट्रेशन के एसिड को है, जिस नंबर ऑफ मोल्स ऐड करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के, उसी को हम प्लस करेंगे उसी को हम माइनस करेंगे इन द सेम अमाउंट। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अब सेकंड केस लेके चलते हैं, इस एसिडिक बफर की जगह पर अब हम क्या लेके चलेंगे, बेसिक बफर सॉल्यूशन लेकर के चलेंगे। ठीक है, अब लेकिन उससे पहले अगर हम पीएच चेंज निकालना चाहें तो देयरफॉर पीएच चेंज क्या हो जाएगा, पीएच चेंज
this will be given by del pH and this will be equal to pH new minus pH initial. This will be pH new minus pH initial. और pH initial क्या है? ये वाला pH क्या है आपका? Initial pH. Acidic strong acid को मिलाने से पहले या strong base को मिलाने से पहले. अब हम केस को चेंज करेंगे. केस को चेंज करेंगे मतलब अब हम यहाँ पे एसिडिक बफर सॉल्यूशन की जगह पर क्या लेकर चलेंगे? बेसिक बफर सॉल्यूशन लेकर चलेंगे. ठीक है, तो फिर से हम सेकंड केस में इसको दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे. चलिए यहां पे हम लेके चलते हैं बेसिक बफर सॉल्यूशन. सो बेसिक बफर सॉल्यूशन जो है बनता कैसे है? तो अगर हम बेसिक बफर सॉल्यूशन की बात करें तो ये बेसिक बफर सॉल्यूशन बनता कैसे? वीक बेस विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्ट हैविंग वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड. और इस कंडीशन में हम पीएच कैसे निकालेंगे? तो इनिशियली जब ये एज ए बेसिक बफर सॉल्यूशन हमने इसको इनिशिएट किया, हमने इसको लेकर के चला प्रिपेयर किया है, तो उस कंडीशन में इनिशियल पीएच जो होगा दैट विल बी गिवन बाय नो सॉरी एक चीज यहां पे ध्यान देंगे कि चूंकि ये बेसिक बफर सॉल्यूशन है तो यहां पे हम पहले इनिशियली क्या करेंगे? पीओएच की वैल्यू निकालेंगे. बेसिक बफर है सो वी विल डायरेक्टली कैलकुलेट द पीओएच वैल्यू एंड देन आफ्टर इफ वी सबट्रैक्ट दिस वैल्यू बाय 14. अगर हम इस वैल्यू को, इस पीओएच वैल्यू को 14 से माइनस कर देंगे तो पीएच वैल्यू निकल करके आ जाएगा. सो पीओएच इनिशियल इट विल बी गिवन बाय पी केबी प्लस लॉग ऑफ पीकेबी प्लस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ, ऊपर लिखते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और नीचे लिखते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ बेस. तो ये हमारा इनिशियल पीओएच कैलकुलेट करने का तरीका. ठीक, देयरफॉर यहां से अगर हम चाहें तो पीएच निकाल सकते हैं. पीएच इनिशियल क्या हो जाएगा? दिस विल बी गिवन बाय 14 माइनस पीओएच इनिशियल, यही होगा. ठीक, अब चलिए इस बेसिक बफर सॉल्यूशन हमने क्या किया, एक बार स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड कर दिया. ठीक, पहले स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड करते हैं और एक बार क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड करेंगे. ठीक, तो ठीक उसी कंसेप्ट से चलेंगे, उसी प्रॉपर्टी के हिसाब से चलेंगे कि अगर बेसिक बफर में बेस को मिलाया जाता, बेसिक बफर में अगर स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाएंगे तो बेस का ही कंसेंट्रेशन बढ़ेगा. इट मींस कि यहां से बेस का कंसेंट्रेशन बढ़ के क्या हो जाएगा? बेस प्लस एक्स. और सॉल्ट कंसेंट्रेशन बढ़ के क्या हो जाएगा? सॉरी, कम हो क्या हो जाएगा? सॉल्ट माइनस एक्स. ठीक है, यानी यहां पे कंसेंट्रेशन ऑफ बेस क्या हो रहा? बढ़ता है. और यहां कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट क्या होता है? कम होता है. कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट क्या होगा? कम होगा. चलिए अगर बेसिक बफर सॉल्यूशन में एसिड मिलाएंगे तो बेस का कंसेंट्रेशन क्या होगा? बेस का कंसेंट्रेशन कम होगा और सॉल्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा. कितने से बढ़ेगा? तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड हमने ऐड किया है वो कितना ऐड किया है? एक्स मोल ऑफ एसिड पर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. x मोल ऑफ एसिड को हमने ऐड किया है 1 लीटर सॉल्यूशन में. चलिए तो बेस का कंसंट्रेशन कम हो कितना हो जाएगा? बेस माइनस x और सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़े कितना हो जाएगा? सॉल्ट प्लस x. ठीक है, तो अब अगर यहां से अगर pOH निकालेंगे तो pOH न्यू क्या हो जाएगा? pOH न्यू विल बी इक्वल टू pKb प्लस log ऑफ, ऊपर आ जाएगा सॉल्ट प्लस एक्स और नीचे आ जाएगा बेस माइनस एक्स. ये रहेगा फॉर्मूला. और अगर इस कॉम्बिनेशन से निकालेंगे तो पीओएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस विल बी गिवन बाय पीकेबी प्लस लॉग ऑफ, ऊपर हो जाएगा सॉल्ट माइनस एक्स, नीचे हो जाएगा बेस प्लस एक्स, जैसा कि रिजल्ट हमने यहां पे लिख चुके हैं. तो यहां पे एक ही चीज का ध्यान रखना है कि अगर बेसिक बफर सॉल्यूशन में अगर बेस मिलाएंगे तो बेस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा,
और सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम होगा। बेसिक बफर में अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को मिलाएंगे तो बेस का कंसंट्रेशन कम होगा और सॉल्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। तो देयरफॉर अब यहां से निकाल सकते हैं पीओएच इनिशियल आ चुका है और पीओएच फाइनल या न्यू बोल सकते हैं, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो यहां से आपका डेल पीओएच की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं इस एप्लीकेशन का, यानी कि जो हमने पढ़ा है कि हाउ टू कैलकुलेट द इनिशियल पीएच एंड हाउ टू कैलकुलेट द न्यू पीएच या फाइनल पीएच आफ्टर द एडिशन ऑफ आइदर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, तब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे या उससे पहले एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन, अगर एसिडिक बफर सॉल्यूशन है और इसमें अगर हमने क्या किया है एसिड मिलाया है तो एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ता है और सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम होता है, ठीक है। एसिडिक बफर में एसिड मिलाएंगे एसिड बढ़ेगा, ठीक है। एसिडिक बफर में अगर बेस मिलाएंगे तो एसिड का कंसंट्रेशन क्या होगा कम होगा और सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा बढ़ जाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम बेसिक बफर सॉल्यूशन में अगर हम एसिड ऐड करते हैं तो एसिड के ऐड करने से बेसिक बफर सॉल्यूशन में एसिड के ऐड करने से बेस का कंसंट्रेशन कम होता है और सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। और अगर हम इसी बेसिक बफर सॉल्यूशन में अगर हम बेस ऐड करेंगे तो बेस का कंसंट्रेशन अब बढ़ जाएगा और सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि एसिडिक बफर है, एसिडिक बफर में अगर एसिड को ऐड करेंगे तो एसिड ही बढ़ेगा और एसिडिक बफर अगर बेस को ऐड करेंगे तो एसिड का कंसंट्रेशन कम होगा। बेसिक बफर में अगर एसिड ऐड करेंगे तो बेस का कंसंट्रेशन कम होगा और बेसिक बफर में अगर बेस डालेंगे तो बेस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लिखते हैं आज का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे how many moles of NaOH can be added to 1 liter of solution of 0.1 molar NH3 and 0.1 molar NH4 Cl without changing pOH by more than 1 unit. ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि बफर कैसा है। तो अगर इसके सॉल्यूशन में आते हैं तो देखेंगे यहां पे क्या है हमारे पास, 1 लीटर सॉल्यूशन है किसका, ऑफ 0.1 मोलर NH3 एंड 0.1 मोलर NH4 Cl। ये कौन सा बफर सॉल्यूशन है पहले तो ये देखेंगे। तो दिस इज द काइंड ऑफ बिग बेस और अगर यहां देखेंगे NH4 प्लस Cl माइनस, सो दिस इज द इस बिग बेस का ये क्या है, दिस इज द कंजुगेट एसिड। बिग बेस का क्या है ये कंजुगेट एसिड, कैसे, तो बिग बेस है इसने क्या किया है NH3 किस में कन्वर्ट हुआ NH4 प्लस में, मींस NH3 ने क्या किया एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, इसलिए क्या कहलाएगा इस बिग एसिड का कंजुगेट एसिड, ठीक है। सो ये कॉम्बिनेशन जो है ये किसका कॉम्बिनेशन बना रहा है, दिस इज ए काइंड ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन,
ये कॉम्बिनेशन इसका है, बेसिक बफर सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, अगर इस बेसिक बफर सॉल्यूशन में कोई क्वेश्चन नहीं बोल रहा, पढ़ेंगे, इस बेसिक बफर कॉम्बिनेशन में NaOH के कितने मोल ऐड किए जाए, तो मान के चलते हैं इस बेसिक बफर सॉल्यूशन में NaOH के x मोल को ऐड कर दिया गया, x मोल ऑफ NaOH इज एडेड इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस बेसिक बफर में बेस को मिलाया गया है, अभी हमने पढ़ा है कंक्लूजन, इस बेसिक बफर में बेस को मिलाए हैं तो बेस का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, और सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बेस का जो कंसंट्रेशन होगा, यानी कि जो बेस का जो कंसंट्रेशन होगा, दैट विल बी बेस प्लस एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बेस प्लस कंसंट्रेशन ऑफ द एक्सटर्नली एडेड बेस, और सॉल्ट का कंसंट्रेशन होगा सॉल्ट माइनस एक्स। पहले तो यहां तक नोट कर लेंगे, ठीक है। यानी कि ये कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, बेस प्लस एक्स, यानी बेस का कंसंट्रेशन कितना है, 0.1, सो दिस विल बी रिटन एज 0.1 प्लस एक्स, एंड दिस कैन बी रिटन एज सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना है, 0.1, सो दिस कैन बी रिटन एज 0.1 माइनस एक्स। तो ये हमने बेस के ऐड करने के बाद का कंसंट्रेशन फाइंड कर लिया कि बेस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा बढ़ करके, और सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा कम हो करके, ठीक है। चलिए अब हम इसमें क्या करते हैं, पीएच का फॉर्मूला लगाते हैं, और क्या बोला है कि पीओएच जो है एक यूनिट से ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो चेंज इन पीओएच कितना होना चाहिए, बाय 1 यूनिट, सो हेयर चेंज इन पीओएच ये कितना होना चाहिए, 1 यूनिट से, यानी दिस कैन बी आइदर +1 और -1, या इसका ऐसा लिख सकते हैं दिस कैन बी आइदर बाय +1 और -1, बिकॉज 1 यूनिट से चेंज होना है, 1 यूनिट से चेंज होना है, और चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, चेंज नेगेटिव भी हो सकता है, तो या आइदर +1 और आइदर -1। तो पहले तो ये चेक कर लें कि चेंज प्लस से होगा, +1 से, या -1 से होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं चेंज कैसे होगा, +1 से या -1 से। तो यहां अगर देखते हैं पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, या पीओएच का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक ऑफर है, पीओएच क्या हो जाएगा, पीके बी प्लस लॉग ऑफ, ऊपर लिखते हैं सॉल्ट, नीचे लिखते हैं बेस, चूंकि बेसिक ऑफर मिला है, बेस का कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो बेस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। मतलब यहां से कंक्लूजन क्या मिल रहा है, यहां से कंक्लूजन मिल रहा है कि बेस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है एंड सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, तो देयरफोर सॉल्ट अपॉन बेस का जो रेशियो है, दैट विल सॉल्ट अपॉन बेस का जो रेशियो है दैट विल डिक्रीज, और अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो उस कंडीशन में लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस का वैल्यू भी क्या होगा, लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस का वैल्यू भी क्या होगा, कम होगा। रीजन, क्योंकि रेशियो खुद कम है, ये रेशियो खुद कम है, कौन सा रेशियो, सॉल्ट अपॉन बेस का रेशियो कम हो रहा है, तो लॉग के साथ वैल्यू क्या होगा, और कम हो जाएगा। यानी कि ये समझ आ रहा है कि अगर लॉग का वैल्यू कम हो रहा है, लॉग के पार्ट का वैल्यू कम हो रहा है, मतलब पीओएच वैल्यू क्या होगी, कम होगा। यानी कि पीओएच का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इट मींस अगर पीओएच का वैल्यू कम हो रहा है, इट मींस चेंज जो है बाय -1, चेंज कितने से होगा, -1 से होगा। अगर पीओएच का वैल्यू बढ़ रहा होता तो चेंज कितने से होता, +1 से होता। तो यानी कि चेंज कितने से करना है, -1 से करना है। इस चीज को पहले हम समझ लें, ठीक है। बेस बढ़ा, बेस के डालने से, बेसिक ऑफर में बेस के डालने से बेस बढ़ा, सॉल्ट कम हुआ, ठीक, ये हमने पढ़ लिया।
बेस बढ़ा या डिनोमिनेटर कम हुआ, न्यूमिनेटर सॉरी बेस बढ़ा यानी न्यूमिनेटर सॉरी डिनोमिनेटर क्या है ज्यादा है, न्यूमिनेटर क्या है कम है, मींस इस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी कम, फ्रैक्शन की वैल्यू कम है तो लॉग ऑफ दैट, लॉग ऑफ दैट फ्रैक्शन भी क्या होगा कम होगा, इट मींस कि लॉग पार्ट कम हो रहा है यानी कि इसमें ऐड होने वाला वैल्यू क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, सो पीओएच भी क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज होने के कारण हमने क्या बोला चेंज कितने से हुआ माइनस वन, अगर ये इंक्रीज हो रहा होता तो चेंज कितने से होता प्लस वन से होता। ठीक है, चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, पहले हम इनिशियल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर इनिशियल वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पीओएच इनिशियल इक्वल्स टू पीकेबी प्लस लॉग ऑफ, ऊपर क्या लिखेंगे कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और नीचे क्या लिखेंगे कंसेंट्रेशन ऑफ बेस, which can be now written as POH initial equals to PKB plus log of, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन लिखा है देखा है कि सॉल्ट बेस दोनों कंसेंट्रेशन कितना कितना है 0.1 मोलर ईच, सो 0.1 मोलर अपॉन 0.1 मोलर, दिस इज आवर लेट अस अज्यूम इक्वेशन नंबर 1। नाउ POH फाइनल क्या हो जाएगा, POH फाइनल विल बी गिवन बाय PKB plus log of, चूंकि बेसिक बफर था ना, बेसिक बफर था और उसमें बेस मिला चुके हो तो बेस बढ़ेगा सॉल्ट कम होगा, तो ये क्या हो जाएगा सॉल्ट माइनस x और नीचे क्या हो जाएगा बेस प्लस x, सो दिस कैन बी नाउ रिटन एज POH फाइनल इक्वल्स टू PKB plus log of 0.1 माइनस x और नीचे हो जाएगा 0.1 का मतलब या तो पॉजिटिव में 1 यूनिट या नेगेटिव में 1 यूनिट, हमने अभी प्रूफ कर चुके हैं कि इस कंडीशन के हिसाब से इस क्वेश्चन के हिसाब से पीओएच कम हो रहा है यानी चेंज कितने से होगा 1 यूनिट से डिक्रीमेंट होगा, इट मींस चेंज कितने का होगा माइनस 1, इस माइनस 1 को उठा के यहां कॉपी कर देंगे तो कितना हो जाएगा दिस विल बी बाय माइनस 1। चलिए अब आगे दोनों वैल्यूज को पीओएच फाइनल और पीओएच इनिशियल को पुट करते हैं, तो देयरफॉर पीओएच फाइनल कितना है, पीओएच फाइनल इज PKB, एक काम कर नीचे लिख लेते हैं पूरा POH final minus POH initial will be given by PKB plus values को कहां से उठा कर रखते हैं log of 0.1 minus x upon 0.1 plus x minus, ये minus है यहां लिखेंगे minus of PKB और plus ये कॉपी यहां करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस लॉग 0.1 अपॉन 0.1। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है माइनस 1, यहां देखिए इसका डिफरेंस कितना है माइनस 1 है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे माइनस 1 इक्वल्स टू ये पीके कैंसिल हो गया, ये लॉग 1 हो जाएगा, लॉग 1 कितना होता है 0, तो बच क्या गया लॉग ऑफ 0.1 माइनस x अपॉन 0.1 प्लस x, सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज ये लॉग है इधर है क्या उधर एंटी लॉग, सो इसको हम लिख सकते हैं 0.1 माइनस x अपॉन 0.1 प्लस x इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ माइनस 1, जिसको हम बोलेंगे नेक्स्ट स्टेप में एंटी लॉग ऑफ माइनस 1, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं 0.1 माइनस x अपॉन 0.1 प्लस x, एंटी लॉग ऑफ माइनस 1 क्या होता है 10 रेस टू पावर माइनस 1, सो दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन। अब यहां से हम क्या करेंगे इस x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और यही x जो है दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस एडेड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए तो यहां से सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिल रहा है 0.1 माइनस x अपॉन 0.1 प्लस x इक्वल्स टू 1 अपॉन 10, so this can be now written as इसको cross multiply कर दें तो ये हो जाएगा 1 minus 10x equals to 0.1 plus x, now this can be shifted to that side, इधर आएगा तो ये हो जाएगा 0.9 equals to 11x, therefore
x equals to 0.9 upon 11 and this 0.9 upon 11 ratio is equal to 0.082 मोल. ये आंसर हो जाएगा. यानी कि इतने मोल NaOH को 1 लीटर में डिसॉल्व करेंगे तो POH की वैल्यू 1 से कम हो जाएगा. ठीक. यानी कि हमारा फाइनल आंसर कितना होगा? हमारा फाइनल आंसर होगा 0.082 मोल ऑफ NaOH शुड बी एडेड. शुड बी एडेड ये हमारा फाइनल आंसर होगा. नोट करेंगे. ठीक है, आज के लिए एक और क्वेश्चन करेंगे. अभी हमने क्वेश्चन जो किया उसमें क्या लेकर चले थे, उसमें हमने ये लेकर चला था कि एक बेसिक बफर सॉल्यूशन था, उसमें हमने क्या किया था, एक स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड किया था जिससे कि POH की जो वैल्यू है वो एक यूनिट से चेंज हो रहा था और वो चेंज ऐसा हो रहा था कि चेंज जो था वो डिक्रीज को शो कर रहा था, नॉट द इंक्रीमेंट. कारण क्योंकि बेसिक बफर में हमने बेस को मिलाया था, बेस को मिलाने से POH की वैल्यू क्या होती है, कम होती है. ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लिखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मोल्स ऑफ HCl can be added to 1 liter of solution of 0.1 molar NH3 and 0.1 molar NH4 Cl without changing POH, by more than 1 unit. So this is the second question and is last for today. ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं, फिर से आइडेंटिफाई कर लें बफर सॉल्यूशन कि ये बफर है नहीं है, और बफर है तो कैसा बफर है. ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं 1 लीटर क्या है. इसमें 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसमें क्या क्या है, 0.1 मोलर NH3 है और साथ में क्या है, 0.1 मोलर NH4Cl. सो दिस इज अ काइंड ऑफ बिग बेस, ये है बिग बेस और ये ठहरा एक सॉल्ट जो किससे मिलकर के बना है, बिग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. कैसे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड NH4OH विद द कॉम्बिनेशन ऑफ HCl, ऑन कॉम्बिनेशन विद HCl गिव्स NH4Cl. सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बिग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है, चलिए यानी कि ये क्या बन गया यहां से, बेसिक बफर. और इस बेसिक बफर में क्या मिलाया गया देख लें, क्या बोला गया यहां पे, HCl को ऐड करने बोला गया है. इट मींस कि इस बेसिक बफर में क्या ऐड कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड कर रहे हो. तो अगर इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड कर रहे हैं तो बेसिक बफर में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करने से इस बेस का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है और इस सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बेस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ऊपर से हम ये मान के चलते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ये हम ऐड किए हैं कितना, एक्स मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो हमने 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या किया है, एक्स मोल एसिड को ऐड किया है. ठीक है, तो ये बेस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, बेस माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉल्ट प्लस एक्स. ठीक है, यानी कि हम इसको फाइनली कितना लिख सकते हैं, क्योंकि बेस का कंसंट्रेशन कितना है, देख ले बेस का कंसंट्रेशन कितना है, 0.1 मोलर. सो दिस कैन बी रिटन एज 0.1 माइनस एक्स एंड दिस सॉल्ट, न्यू सॉल्ट कंसंट्रेशन कैन बी रिटन एज, सॉल्ट कितना है, 0.1 मोलर. सो दिस कैन बी रिटन एज 0.1 प्लस एक्स. देखो तो हमने पहले क्या किया है, सबका कंसंट्रेशन लिख लिया. दिस इज फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो गया. अब हम पहले यह पता कर लें कि जो चेंज इन POH है ये कितने से, तो बोला है भाई कितना, 1 यूनिट. 1 यूनिट का मतलब क्या है, आइदर +1 या -1.
तो अब क्या लेके चलेंगे, प्लस वन लेके चले या माइनस वन लेके चले, इस चीज को हम देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए फिर से हम उसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। हम क्या करते हैं, पहले पीएच के फॉर्मूला, पीओएच के फॉर्मूला को यूज करेंगे। पीओएच क्या हो जाएगा, पीकेबी प्लस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ बेस। यहां पे क्या हो रहा है, बेस का कंसेंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, सॉल्ट का कंसेंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बेस का कंसेंट्रेशन कम हो रहा है, सॉल्ट का कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। इट मींस कि सॉल्ट अपॉन बेस का जो रेशियो है दैट इज इंक्रीजिंग। डिनोमिनेटर कम हो रहा है और ऊपर से न्यूमरेटर बढ़ रहा है, मतलब ये वैल्यू लगातार बढ़ते जा रहा है, ये वैल्यू बढ़ते जा रहा है, मतलब लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस की जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगा। और अगर लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस का वैल्यू बढ़ता है, इसमें पुट करके देखें, अगर ये वैल्यू बढ़ रहा है मतलब पीओएच भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी कि पीओएच जो है बढ़ रहा है। इट मींस ये शो कर रहा है कि चेंज बाय प्लस वन यूनिट, वन यूनिट तो पहले से बात है, प्लस या माइनस, तो हमने देखा भाई कि पीओएच बढ़ रहा है, पूरा कंक्लूजन यहां से निकालेंगे, इस ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, पीओएच बढ़ रहा है, बढ़ रहा मतलब क्या है, प्लस साइन लेकर चलेंगे, सो द चेंज विल बी बाय प्लस वन यूनिट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पीओएच के निकाल ले, इनिशियल पीओएच के निकाल ले और फाइनल पीओएच के निकाल ले, मतलब इनिशियल पीओएच को निकाल ले ऑफ द बफर, बेसिक बफर सॉल्यूशन, और फाइनल पीओएच मतलब आफ्टर द एडिशन ऑफ एसिड, तब का पीओएच निकाल ले, ठीक है, फाइंड करते हैं। तो लिख लेते हैं, सबसे पहले पीओएच इनिशियल, इट विल बी गिवन बाय पीकेबी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस, चूंकि बेसिक बफर सॉल्यूशन था तो सॉल्ट अपॉन बेस, विच कैन बी नाउ गिवन एज और रिटन एज पीओएच इनिशियल इक्वल्स टू पीकेबी प्लस लॉग ऑफ, क्वेश्चन देख ले, सॉल्ट कंसेंट्रेशन कितना है 0.1 और बेस का कंसेंट्रेशन कितना है 0.1, लेट अस अज्यूम ये हमारा कौन सा इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब आगे आते हैं, अब पीओएच अगर फाइनल लिखते हैं तो पीओएच फाइनल क्या हो जाएगा, अगेन पीकेबी प्लस लॉग ऑफ, अभी हमने यहां पे कंक्लूजन निकाला था कि बेसिक बफर में एसिड डाले हो तो बेस क्या होता है, कम हो जाता है, कितने से, तो जितना मोल्स ऑफ एसिड या जितना मोल्स ऑफ एसिड यहां पे डालेंगे तो बेस माइनस एक्स, ऊपर क्या हो जाएगा सॉल्ट प्लस एक्स। सो नाउ पीओएच फाइनल कैन बी गिवन एज पीकेबी प्लस लॉग ऑफ 0.1 प्लस एक्स अपॉन 0.1 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, दोनों के डिफरेंस को फाइंड कर लें, दोनों के डिफरेंस को फाइंड करेंगे, जो कि अभी हमने देखा कि चेंज कितने से हो रहा है, प्लस वन से। चेंज इन पीओएच विल बी इक्वल टू पीओएच फाइनल माइनस पीओएच इनिशियल एंड इज नाउ या एंड इज हियर इक्वल टू प्लस वन। यहां पे किसके बराबर होगा, ये प्लस वन के बराबर होगा, ठीक है। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू अगर पुट करते हैं तो पीओएच फाइनल कितना है, देख ले, पीओएच फाइनल माइनस पीओएच इनिशियल इज गिवन बाय, नोट करें, पीकेबी प्लस लॉग ऑफ 0.1 प्लस एक्स अपॉन 0.1 माइनस एक्स माइनस ऑफ पीओएच इनिशियल, इनिशियल कितना है, तो लिखेंगे पीकेबी प्लस, यहां कॉपी करेंगे विथ माइनस साइन, ये अंदर भी क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 0.1 अपॉन 0.1, ये पीकेबी पीकेबी क्या हो जाएगा कैंसल आउट, और ये डिफरेंस जो है दिस विल बी रिटन एज प्लस 1 इक्वल्स टू लॉग 0.1 अपॉन 0.1 कितना, लॉग 1, लॉग 1 कितना होता है 0, इसको हटा दे तो बच क्या गया लॉग ऑफ 0.1 प्लस x अपॉन 0.1 माइनस x। सो अब इसका एंटी लॉग लेंगे, देयरफॉर 0.1 प्लस x अपॉन 0.1 माइनस x विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ प्लस 1 व्हिच कैन बी नाउ रिटन एज 0.1 प्लस x अपॉन 0.1 माइनस x विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ प्लस 1 कितना होगा, पावर में चले जाएगा 10 रेज टू पावर 1। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.1 प्लस x विल बी इक्वल टू, ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा 1 माइनस 10 x, ठीक है। फिर अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, अगले स्टेप में लिख सकते हैं
ये आपके इधर 11x हो जाएगा और ये इधर क्या हो जाएगा 0.9। सो एक्स कैन बी गिवन एज, एक्स विल बी गिवन एज 0.9 अपॉन 11 व्हिच इज इक्वल टू 0.082 मोल। यानी कि यहां से हम फाइनल कंक्लूजन लिख सकते हैं, यहां पे हम फाइनल कंक्लूजन लिख सकते हैं कि 0.082 मोल ऑफ HCl should be added to 1 liter solution of 0.1 molar NH3 and 0.1 molar NH4Cl to change pOH by 1 unit, not 1 unit, this is 5 plus 1 unit. Okay, so this is our final answer. Thank you.